वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग दो के प्रथम पाठ माता कांचल के शेष भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका आधा भाग पढ़ चुके थे, शेष आधा भाग आज हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। देखो, लेखक ने इससे पहले जो हमने वीडियो देखा है उस वीडियो में आया था कि लेखक तरह तरह के तमाशे अपने मित्रों के साथ मिलकर करता था। कभी तो मिठाई की दुकान का, कभी मिट्टी के गरौंदे बनाने का, और कभी जोनार अथवा अर्थात भोज या दावत का। अब उससे आगे लेखक बताता है कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूल्य आम के उगते हुए पौधे को घिसकर शहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम सब धी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काट की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, पर्दा डालने का जो कपड़ा होता है, लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। पहले भी इससे पहले उनका पिताजी भोज दावत या जोनार का तमाशा उन्होंने किया था। उस पंक्ति में भोज के लिए बैठ जाते हैं, तब भी बच्चे शर्माकर हंसकर भाग जाते हैं। और इसी तरह इसमें भी जब बाबूजी दुल्हन का मुख निरखने के लिए ओहार को उघारते हैं तो भी बच्चे हंसकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गट जाती। अब खेती का तमाशा, चबूतरे के छोर पर घिरनी गट जाती और उसके नीचे की गली कुआ बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुगड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते पानी निकालने के लिए। चबूतरा खेत बनता और कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुहाठा। चबूतरे को खेत, कंकड़ को बीज और ठेंगे को हल जुहाठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए और पटाए जाता मतलब निराई की जाती। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बही कियारी, जो उपजी सो बही हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप, कसोरा होता मिट्टी का बना प्याला, का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। राशि का संग्रहित राज। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर छिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार दुल्हन वाली पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। कि अरहर के खेत में अरहर और उस डोली में जो दुल्हन है वो हमारी है। इस पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। आम कैसा होता है? गोपी आम।
एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कोंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, हम लोग पेड़ों की जड़ में धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई, कुत्ते के कान में जो एक प्रकार का जीव कीड़ा चिपका रहता है उसी तरह कहता है, हम पेड़ों की जड़ से सट गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, हम लोग डर कर भाग चले, हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, संयोग की बात बीच में मुसन तिवारी मिल गए, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई कम देता था, बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, मुसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, दौड़ चले, आंधी हो ना तेज दौड़ना, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े, बैजू तो 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो ना, भाग जाना मुहावरे का इस्तेमाल किया है, हम पकड़े गए, फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, बाबूजी ने यह हाल सुना वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, वह गुरुजी की चिचोरी करके विनती करके दीनतापूर्वक प्रार्थना करके हमें घर ले चले, रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेल जुआ, फिर क्या था हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई, हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर प्राई पीर नहीं समझते, प्राई पीड़ा दूसरे की पीड़ा दर्द को नहीं समझते, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले, कोई औंधा गिरा कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए, उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे ब्रामदेव में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली, मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावलों को साफ कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए, हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ कर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई, झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, घर में कुहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से सां से सां कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी, विरोधाभास है, हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी, इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी,
इस तरह से आपका पाठ माता कांचल पाठ पूरा हुआ। इसमें बताया गया है कि माता कांचल बच्चे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चा अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा अपनी माँ की गोद में, माँ के आंचल में ही महसूस करता है। उससे सुरक्षित जगह बच्चे को कोई नहीं लगती। इस तरह से आपका पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।